नमस्कार। कहा को मिलिबो जीत, कहार हेबो हार, पांचटी राज्य रे किए गढ़िबा सरकार। मे दुई तारीख रे चारि राज्य गोटे केन्द्र शासित अंचल होइतिबा विधानसभा निर्वाचन फलाफल आसिबा सामना को गणति करा जिवो, किंतु ता पूर्वरु आज जनतांकर कौन रहिछि मूड ए पांचटी राज्य रे जणा पड़िबो एग्जिट पोल माध्यम रे। आज संध्या 7:30 रु विभिन्न गणमाध्यम ओ एजेंसी द्वारा करा जायतिबा एग्जिट पोल रो सर्वे एवं तार रिपोर्ट सामना को आसिबो, किंतु ता पूर्वरु आमे आपनकु जणबा पई चाहिबो जे ए एग्जिट पोल पूर्वरु बा वोट आरंभ होबा पूर्वरु जो ओपिनियन पोल होइथिला से ओपिनियन पोल रे किभली भाबरे सामना को आसीथिला तथ्य, जनतांकर मूड कोन सामना को आसीथिला ताहा मध्ये आमे आपनकु पाखरे पहुंचाइबो। आम सहित एक्सपर्ट रहिबे, ए विषय रे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, अनालिसिस करिबा। एथिसहित 2016 रे ए पांच राज्य रे कौन होइथिला स्थिति एवं ओपिनियन पोल माध्यम रे कौन घटिबा को जाउछि बोली वोट पूर्वरु सामना को आसीथिला से संपर्क रे मध्ये आमे आपनकु जणाइबो। चारि राज्य पश्चिमबंग, आसाम, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी केन्द्र शासित अंचल, ए पांच राज्य रे होइथिला विधानसभा निर्वाचन। 8टी पर्याय रे होइथिला, सर्वाधिक 8टी पर्याय होता पश्चिमबंग में आज थिला शेष पर्याय भोटिंग एवं शेष पर्याय भोटिंग सरिया सहित एग्जिट पोल सामना को आसिबा पई बाट फिटि जाइछि। एवं ए एग्जिट पोल माध्यम रे जनतांकर मूड बा बूथ फेरंता वोटर को मूड कौन रहिछि ताहा सामना को आसिबा, दुई तारीख रे आसिबा फलाफल। याकु नै आमर स्वतंत्र कार्यक्रम वोटर को मूड, तबे जनतांक मूड आमे ए कार्यक्रम जरिया रे आमे आपणंक पाखरे पहुंचेबा पई चाहिबु। प्रथमे जे वोटिंग आरंभ बा पूर्वरु मार्च 24 रे जो ओपिनियन पोल करा जायतिला विभिन्न एजेंसी पक्षरु विभिन्न गणमाध्यम पक्षरु कौन थिला से ओपिनियन पोल कौन कहुथुला, जदि ओपिनियन पोल रे जहां सामना को आसीथिला एवं प्रकृत स्थिति सेतिरे हुए तो बदली जाइथाई पारे, अनेक परिवर्तन आसी थाई पारे। एग्जिट पोल रे आज जेतेबेला आसीबो से समान संस्था पक्षर जहाँ ओपिनियन पोल थिला एवं एग्जिट पोल भितरे अनेक फरक आसी पारे, फिर भी ओपिनियन पोल कौन थिला आमे प्रथमे आपनको सामना को आणिबा को चाहिबु। प्रथमे पश्चिमबंग रु आरंभ करिया पई चाहिबु। पश्चिमबंग रे जदि आमे नजर पकाइबा टाइम्स नाउ सी वोटर पक्षर जो ओपिनियन पोल करा जायतिला एवं से अनुजाई टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जे कि 10 वर्ष धरी क्षमतासीन अछि 160 आसन रे विजय हासिल करियो बोली कहा जायतिला। बीजेपी जे कि गत निर्वाचन 2016 रे मात्र 3टी आसन जीति थिला 112 आसन जीतियो बोली टाइम्स नाउ सी वोटर, एवं बाम मेंट आउ कांग्रेस एमाने 22टी मात्र आसन रे सीमित रहिबे। सेभली सिनेक्स एबीपी पक्षर जो ओपिनियन पोल करा जायतिला से अनुजाई तृणमूल कांग्रेस 141, बीजेपी 135, कांग्रेस आउ बाम मेंट 16टी आसन रे विजय हासिल करिवे। पीपुल्स पल्स पक्षर जो ओपिनियन पोल आसीथिला से आधार रे टीएमसी 95, बीजेपी 183। पीपुल्स पल्स कहुची बीजेपी सरकार गढ़ जदिओ टाइम्स नाओ एवं सीएनएक्स एबीपी पक्षर कहुला तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल। पीपुल्स पल्स अनुसार टीएमसी 95, बीजेपी 183, कांग्रेस बाम मेंट 16। जनकी बात जदि कथा कहा जाए ताहले जनकी बात ओपिनियन पोल थिला जो टीएमसी 127, बीजेपी 155। जन की बात आधार रे बीजेपी संख्यागरिष्ठता हासिल करिबा एवं कांग्रेस बाम मेंट मात्र 12टी आसन रे सीमित रहिबे। एबे आमे आसाम रो ओपिनियन पोल कौन रहितला ता उपरे नजर पकाइबा। आसाम रे टाइम्स नाउ सी वोटर पक्षर जो ओपिनियन पोल करा जायतिला से अनुजाई एनडीए 69, यूपीए 56 बा 56 एवं अन्यान्य गोटी आसन रे विजय हासिल करिबे। गत निर्वाचन रे एठी बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार गठन करथिला, बीजेपी एकाकी 60 आसन रे विजय हासिल करथिला, किंतु एथर स्थिति रे परिवर्तन होई पारे एक कथा ओपिनियन पोल रे कहुथिला कहा जायछि कहा जायथिला जे बीजेपी रा आसन संख्या कमीबो किंतु सरकार गठन पई मैजिक नंबर रु अधिक रही पारे एक कथा कहुथिला ओपिनियन पोल। 69 टोटल 126 आसन रहिछि आसाम रे, सेथिरु 69 बा 69 आसन रे जीति पारे एनडीए एक कथा कहा जायथिला ओपिनियन पोल रे। अबे फटाफट जीवा तमिलनाडु रा ओपिनियन पोल कौन थिला। तमिलनाडु रो ओपिनियन पोल ऊपर जदि नजर पकाइबा टाइम्स नाउ सी वोटर
ओपिनियन पोल कहुछि जे 10 वर्ष पर डीएमके कांग्रेस मेंट पुणी क्षमता आसीन हेबो एवं बम्पर विजय हासिल करिवो 158 सीट जूनियर बिकाटर ये ओपिनियन पोल पक्षर कहा जाय छि 163 डीएमके एवं एआई डीएमके बीजेपी मात्र 52 आसन में जितिबे। एपीटी रिसर्च ग्रुप रो ओपिनियन पोल कहुछि डीएमके कांग्रेस मेंट 151 रु 158 बीजेपी एआई डीएमके 76 रु मात्र 23 टी आसन में विजय हासिल करिवे। ना किरण पक्षर जो ओपिनियन पोल से आधार डीएमके कांग्रेस मेंट 172 एआई डीएमके बीजेपी मेंट मात्र 22 टी आसन में विजय हासिल करिवे। सिबरी टाइम्स नाउ सी वोटर पक्षर तमिलनाडु जो ओपिनियन पोल आसीथिला ता आधार डीएमके कांग्रेस मेंट 158 एआई डीएमके बीजेपी मेंट 65। टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल आधार रे डीएमके ही सेठरे पूर्ण थरे सरकार को फेरिबा 10 वर्ष व्यवधान रे सबु ओपिनियन पोल गोटे कथा कहउछंती जे तमिलनाडु रे एथर डीएमके रो वापसी हबा 10 वर्ष लगातार भाव रे एआई डीएमके मेंट सेठी क्षमतासीन थिला। गत निर्वाचन में जयललिता नेतृत्व में एआई डीएमके जीति किंतु एथर परिस्थिति बदली जाए जयललिता नहांती अनुपस्थित निर्वाचन है जो थे कि डीएमके एथर क्षमतासीन हम अवश्य डीएमके रे करुणानिधि चली जाइंट आर पारे को पुओ ये नेतृत्व नौले डीएमके रि नेतृत्व में एथर निर्वाचन हो डीएमके कांग्रेस मेंट क्षमतासीन हम बोली कहा नजर पकाइबा वर्तमान केरल एलडीएफ यूडीएफ भितर से टक्कर कड़ा टक्कर केरल रा कौन रही ओपिनियन पोल कौन रही मातृभूमि सी भोटर रा ओपिनियन पोल अनुसार एलडीएफ 73 रु 83 यूडीएफ 56 रु 66 एवं बीजेपी मात्र गोटी आसन जीति पारे। एलडीएफ रा सरकार अच्छी गत 5 वर्ष धरी अर्थात पुणी थे एलडीएफ क्षमतासीन हम एक कहु मनोरमा वीएमआर पक्षर सामान कथा कहु एलडीएफ 77 रु 82 यूडीएफ 54 रु 68 एवं बीजेपी 3टी आसन जीति पारे। टाइम्स नाउ सी वोटर रा सर्वे सामान कथा कहु एलडीएफ 77 यूडीएफ 62 एवं बीजेपी गोटी आसन में जीति पारे। एबीपी सी भोटर ओपिनियन पोल अनुसार 77 रु 85 एलडीएफ यूडीएफ 54 रु 62 एवं बीजेपी 2टी आसन पर्यंत जाई पारे। ये हूँ केरल रो ओपिनियन पोल जहाँ मैं आपण का सामने रखीचु। केरल रे सबु ओपिनियन पोल कर मत हेउची जे एलडीएफ पुणी थरे क्षमता को फेरिबा एवं यूडीएफ सफल हो पार ना कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ हूँ बाम नेतृत्वाधीन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जे कि एथर सरकार गढ़ एवं पुडुचेरी पुडुचेरी केन्द्रशासित अंचल 30 विधानसभा आसन मात्र रही सेठी जो ओपिनियन पोल होता से आधार आम जो देखा एबीपी सी भोटर पक्ष जो ओपिनियन पोल करा कर पुडुचेरी से आधार एनडीए 19 रु 23 एवं यूपीए 7 रु 11 आसन में जीति पारे। टाइम्स नाउ सी भोटर पक्षर जो करा सर्वे बा ओपिनियन पोल से आधार एनडीए 18 एवं यूपीए 12 आसन में जीति पारे अर्थात पुडुचेरी में प्रथम थर पर एनडीए सरकार हवा को जाऊँ बीजेपी जो थे कि अंशीदार रही एनडीए सरकार पुडुचेरी में क्षमतासीन हो एक कथा ओपिनियन पोल आधार सामना ये तो थिला ओपिनियन पोल कथा आम आपको जनवाई चाहबू जो 2016 जो निर्वाचन होता ए 4 राज्य केन्द्र शासित अंचल कौन थी जनतांकर राय एवं कौ दल पाखक केते आसन जाइला ए 4 राज्य गोटे केन्द्र शासित अंचल से संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित जोड़ी होती न्यूज रूम रो सहयोगी विकास विकास देशर 5 राज्य में जो निर्वाचन चलती तार फलाफल आगक कौन हम जनता क्या भोट देवा जाऊँगी जनता क्या जनादरण क्या चूज करेंगे ता मे दुई जनापड़ कि पूर्व रुझान जाना आम चेषा करुच्छे जे लोक मूड वर्तमान कौन रही कौ आड़क जाऊँच राजनैतिक परिस्थिति और लोक क्या भोट देवे कि गोटे ये छोटिया तथ्यटाए देवाक चाहिए पश्चिमबंग आसाम और पुडुचेरी केरल तमिलनाडु निर्वाचन फलाफल वर्तमान समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहीं 5 राज्य केन्द्रशासित अंचल को मिसेक जब देखा 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व यह डिसाइड कर कह वर्तमान यही सब अंचल मूड कौन रही जनता कौन चाहते आम जदि गोटे तथ्य देखा 2019 लोकसभा निर्वाचन में वर्तमान जे रूलिंग पार्टी अच्छी एनडीए एवं बीजेपी कथा कह से पूरा देश में 37% भोट पाई 45% एकाकी एनडीए पाई अर्थात
ଏଇ ଯେଉଁ 45% ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଅଛି ଏଥିରୁ ଏଇ 5 ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ 5 ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ପପୁଲେସନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଶର ସମୁଦାୟ ପପୁଲେସନ୍ରୁ 18% ପପୁଲେସନ୍ ଏହି 5 ରାଜ୍ୟରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଭୋଟ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଯେହେତୁ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ 5 ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏହା ଦର୍ଶାଇବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାସନ ଭାର କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶକ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ରାଜ୍ୟର କଥା କହୁଛି, ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟିଆ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2016 ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ନଜର ପକାଇବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇବେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଇଏ ହେଉଛି 2016ର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଟିଏମ୍ସି 211 ସିଟ୍ ହାତେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସେଠି 44 ସିଟ୍ ହାସେଇଥିଲା, ସିପିଏମ୍କୁ 24, ବିଜେପିକୁ 3, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମାତ୍ର ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2021 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଏପଟେ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ବିଜେପି ବ୍ରିଗେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯାଇକି ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେପଟେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ପୁରା ଦେଶର ଫୋକସ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ। ଖାସ୍ କରି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମମତାଙ୍କ ଖାସ୍ ଯିଏ ମମତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବିଜେପିର ହାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶର ନାରାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ଫଳାଫଳ 2 ମେରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିବ, ତା ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 16ର ଫଳାଫଳକୁ ବିଜେପି 2021ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କି ନାହିଁ। ଇଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ 2016ର ସ୍ଥିତି କହୁଛି, 2021ରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ତାହା ଶକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ 2016ରେ କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାଶ। ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସିବ 7:30 ପରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ଆଧାରରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ଖାସ୍ କରି, ଏବଂ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆମର, ସେଠି କ'ଣ ରହିବ, ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ। ଯତୀନ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସୀତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ 5 ରାଜ୍ୟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଆଜି, ଜନତାଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ିବ 7:30, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ତଥ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ। ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମିଶ୍ରିତ ଓପିନିଅନ୍ ଆସୁଛି, କିଏ ସପକ୍ଷ ଦେଉଛି ବିଜେପି ତ କିଏ ସପକ୍ଷ ଦେଉଛି ନାହିଁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ଆସିନ ହେବ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଯେ ଡିଏମ୍କେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ କ୍ଷମତାକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ, କେରଳରେ LDF ପୁଣି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବ, ଆସାମରେ BJP ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ବି NDA ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ଆସିନ ହେବ, ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ରେ। ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ 5 ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମୁଡ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ର ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ତା ବେସିସ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆକଳନ ଆମେ କରୁ, ସେଟା ହଉଛି ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ଲୋକ ଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି, ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କିଛି ସେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଜାଗାରେ ସେଟା ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ବି ହେଇଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଏଇ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ ରାଜନୀତିରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। 5 ରାଜ୍ୟ, 4 ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ
निर्वाचन होउछि किंतु सबुठु बेसी चर्चा पश्चिमबंग को नै काहे कि निश्चित भाव रे आपण देखंतु जेहेतु तार दुटा कारण होउछि गोटे होउछि जे आपणकर सेठी गोटे माने जो भली भाव रे ममता बनर्जी कर सेठी अभिध होइतला एवं जो भली भाव रे से सेठी आपणकर माने माने सेठी निजर पतियारा से देखैकि रखिछंती एवं पावर रे रहिछंती तांकर जो पर्सनालिटी तांकर जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एवं से जो भली भाव रे लेफ्ट को सेठी हरैकि दीर्घ दिन धरी वर्तमान सेठी तांकर गड़ रक्षा करि अछंती सेटा गोटे द्वितीय रे आपणकर भारतीय जनता पार्टी अन्य पक्षरे आपण जानिछंती जे भारतीय जनता पार्टी सबळे कहि आछि जे वेस्ट बंगाल देही ही तांकर जो ईस्ट तांकर जो फोकस सबुबेले तांकर रहिछि एवं सेमाने गत निर्वाचन मानकरे देखिथिबे बीजेपी जो समय रे किछि तार सेठी स्थिति नथिला ग्रेजुअली सेठी ग्रो करिछि एवं लेटेस्ट निर्वाचन मानकरे बीजेपी तार जथेष शक्ति वृद्धि करिवारे सहायक हेछि अर्थात जो भली भाबरे एथोर निर्वाचन रे गोटे माराथन प्रचार चलिथिला एवं जो भली भाबरे बीजेपी गुरुत्व देकि सेठी माने तार निर्वाचन माने बोडे फोकस स्टेट हिसाब रे जो भली भाबरे नेइथिला एवं देखंतु तृणमूल कांग्रेस रो जो माने सब हेवीवेट किसी लोक थिले जो मैं जो भली भाबरे भारतीय जनता पार्टी देखो गोटे समय थिला जो समय रे भारतीय जनता पार्टी रे सेठी बहुत बेसी प्रोमिनेंट लीडर नथिले किंतु एबे भारतीय जनता पार्टी रे सेठी बहुत स्ट्रांग लीडर इमर्ज करचंती अलगा पार्टी को आसी के जॉइन करचंती ओके तो दास समय कम अछि मु ओपिनियन पोल रो जहां आधार एग्जिट पोल तो आसीबो 7:30 पर निर्वाचन कमिशन क नियम अनुसार निष्पत्ति अनुसार सेतेबेले भी आम आनालीसीस करिबा किंतु ओपिनियन पोल रा आधार आम जदि आनालीसीस करिबा जो पांच राज्य कथा कहा जाउछि आसाम रे बीजेपी पुणि थरे क्षमता बजाय रखिबा ए कथा समस्ते कहउछंती पश्चिमबंग रे 50-50 पुडुचेरी रे एनडीएफ क्षमता आसीन हेबो केरल रे कांग्रेस क्षमता को आसीबो नाही एलडीएफ पुणि थरे क्षमता बजाय रखिबो एवं तमिलनाडु रे क्षमता परिवर्तन हेबो डीएमके क्षमता को आसीबो अर्थात आम जे देखिया ओवरऑली आसाम रे एनडीए सपक्षर जाउछि पश्चिमबंग रे मध्य 50-50 चांस अछि पुडुचेरी रे प्रथम थर पई एनडीए सरकार गठन हबो तो एटा आगामी दिन रे बीजेपी एवं बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार उपरे जदि ए ओपिनियन पोल जदि रिफ्लेक्शन हो जदि तार जदि सेया ही रिजल्ट जदि प्रकृत रिजल्ट जदि आसुछि तार कोन इंपैक्ट रहिबो बीजेपी पई एवं केते गुरुत्वपूर्ण रहिबो खास कर केन्द्र सरकार क पई निश्चित भाव आप देखो गोटे हूँ बीजेपी सामने गोटे बड़ चैलेंज अच्छी माने तांकु आसाम रे से माने शासन क्षमता रे अच्छा एवं सेठी तांकु रिटर्न करने को पड़ो एवं वेस्ट बेंगल रे देखो गत निर्वाचन मानक जो सफलता से माने हासिल कर जदि से सफलता बजाय रखती शक्ति वृद्धि हुए जदि से माने क्षमता को आसबार सक्षम हमें तो निश्चित भाव सारा भारत वर्ष भारतीय जनता पार्टी पाई गोटे सुजोग सृष्टि हम लोकंक सामना को जीवा पे एवं लोकंक कन्विंस करिया पे किंतु निर्वाचन आपण जानिछंती निर्वाचन रे आपण किछि माने आगतुरा प्रेडिक्ट करि परिबे ने आपणकर वर्तमान जो भली परिस्थिति अछि से परिस्थिति रे लोक माने को प्रसंग को गुरुत्व दैछंती एवं कोण बेसिस रे लोक वोट दैछंती जदियो आमे विभिन्न टीवी चैनल ले वोटर मानंकर इंटरव्यू आमे देखि छे किंतु निर्वाचन फलाफल जते बेले आसे एक्जेक्टली कहि पारिबा नै किंतु मोटा मोटी भाबरे जनतांकर मूड कोण रहिछि ए ओपिनियन पोल हो बा एग्जिट पोल माध्यम रे तार गोटे संकेत मिलि थाय एवं से आधार रे आमे ए कथा को कहू छे मुछित जतिन दास समय कम अछि फाइनल कमेंट आपन नबा चाहबे आपन बीजेपी कथा कहिले एनडीए कथा कहिले अन्य पटे जे देखिबा कांग्रेस जे कि संघर्ष करुछि एवं विभिन्न राज्य रे पुडुचेरी रे तार सरकार थिला पुडुचेरी तार सरकार पळेबाय कथा ओपिनियन पोल कहुछि आसाम रे क्षमता को फेरी पारिबो नाही बहुत चेष्टा करिछि पश्चिमबंग रे त स्थिति अति नगण्य स्थान को पळेबो एकक संख्या को पळेइ पारे तार विधायकक संख्या एवं सेपटे केरल रे क्षमता को फेरी पारु नाही जदियो तमिलनाडु रे मेंट भा सहयोगी भाव रे क्षमता को फेरिबो से किंतु बहुत कम तार आसन संख्या रहुछि तो यह स्थित में कांग्रेस ये जदि ओपिनियन पोल जदि प्रकृत रिजल्ट जदि रिफ्लेक्ट होउछि कांग्रेस पई एटा केते बड़ सक्त धक्का हबो आपन को लागुछि एवं कोन तार इंपैक्ट रहिबो तो कांग्रेस निजो को जो भली भाव रे रीऑर्गेनाइज करिके गोटे
ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳ ଏବଂ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସେଇଟା ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସରକାରର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କେତେ ରିଜଲ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଓକେ, ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍ ତ କମସେ କମ୍ ସେଟା କହୁନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉନାହିଁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 7:30 ପରଠୁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବୁ। ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏ 5 ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସିତ ଯତୀନ ଦାସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବାରୁ। ସମୟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ 7:30ରେ ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ସହ। ନମସ୍କାର।